अब कच्चा के बाद पता नहीं क्या डालो क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। YouTube ने व्लॉग स्पॉन्सर किया है पर उन्होंने अभी तक डेस्टिनेशन रिवील नहीं किया। बस इतना पता है कि अर्थ डे आने वाला है और वो हमें ऐसी जगह भेजने वाले हैं जहाँ धरती की सुंदरता भर भर के दिखेगी उनके कैंपेन के थ्रू जिसका नाम है रेयर प्लैनेट। ये भी डाल ही देता हूँ यार, पता नहीं होगा कि नहीं। हम गुवाहाटी जा रहे हैं पर वहाँ से कार से लेके जाएंगे हमें फाइनल डेस्टिनेशन। ओ चलो अब थैंक गॉड, अब जगह कोई भी हो सुबह तो सुकून ही होगी। लग रहा है कुछ इम्पोर्टेंट रह गया। भुजिया ले जाना तो रह ही गया और इंस्टाग्राम पे वंडरलस्ट वाला कूल भी तो बनना है। ओके मम्मी मैं निकलता हूँ। कहाँ निकल रहे हो? फाइनल तो पता नहीं पर गोवा। फाइनल नहीं पता तो परमिशन कैसे दे दूं मैं? हाँ वहाँ गुवाहाटी बोल के गोवा चले गए तो? अरे यूट्यूब चच्चा थोड़ी ना मेरा जो गोवा भेज देगा अर्थ डे पे। शर्म नहीं आती सुबह सुबह तला हुआ। शर्म नहीं आती, भूख आती है सुबह सुबह। मम्मी के आंखों से आंसू आ गए थे इसलिए नहीं कि मैं जा रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं सुबह सुबह उठ गया। सुबह 11 बजे से पहले एक बार मैं नहा धो के उनको चलता फिरता दिख गया भाई। 11 नहीं 12 एक बजे। हेलो, थोड़ा कर सकते हैं ना कम? थोड़ा मैसेज देना होता है यार। वेक अप अर्ली 11 o'clock इज अर्ली मैसेज। क्या आदमी है। गौतमी गऊ जा रही है। अरे विंडो सीट मेरे से पहले लेना चाहता है इंसान, इसलिए भाग रहा है। क्या फायदा हुआ? एपिक फेल मोमेंट अगेन। अरे बाहर देख तो हमें कोई लेने आए क्या? देखना कोई कार्ड है क्या जिस पर लिखा हो दो चोमूस अभिषेक और गालिया। हाँ हम ही हैं। गाइज हम लैंड आसाम में हुए थे गुवाहाटी में और अब हम मेघालय में जाने की एंट्री कर रहे हैं। यार अब तो बता दो हम जा कहाँ रहे हैं यार। हाथ पैर बांध के कहीं फेंक तो नहीं दोगे ना? एक वापस मुंबई ले आए क्या? नहीं इतना पानी और आसपास कोई बेरोजगार कपल्स नहीं, मुंबई तो नहीं हो सकता। तो गाइज हम फाइनली पहुंच गए हैं, शिलोंग था डेस्टिनेशन। गाइज बहुत मजा आएगा। यहाँ से रेस्ट करना, अभी आगे और जाना है। ठीक है हमें क्या, हम तो मोमो खा रहे हैं, थैली भर के मोमोज खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं। कह रहे अर्थ डे है, फूस डे नहीं। स्ले पॉइंट इन सेंटर पॉइंट। ये आ गया हमें बाथरूम का उद्घाटन करने, रिबन कटिंग सेरेमनी शुभारंभ। थॉर आ रहा है क्या भाई? थॉर भाई वंस मोर जोर वाला एक लास्ट हथौड़ा घुमा रहे भैया, हमारे लिए नाइट शो दे रहे हैं फ्री में। अब शिलोंग से निकल गए, अब कहाँ जा रहे हैं बता दो। अरे अपना दिमाग लगाओ यार। दिमाग ही तो नहीं है, सोचा रोड साइन देख लूं, आसपास कुछ दिख ही नहीं रहा। हम पहुंच चुके हैं, चक्कर यही है फाइनल डेस्टिनेशन चेरापूंजी। चेरापूंजी कहाँ सुना था चेरापूंजी? अरे याद है ज्योग्राफी बुक में पढ़ा था बचपन में, उसके बारे में एक फैक्ट था, वो हर क्विज में पूछते थे वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, रेनिएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, चेरापूंजी। यस, और दुनिया के वेटेस्ट प्लेस के लिए हम रेनकोट छाता छोड़ के भुजिया पैक करके आए। अरे यार जब मन होगा ना तब याद करेगा। छाता का ज्यादा मन हो रहा है यहाँ पे, हम लिटरली बादल में है गाइस। मेघालय बादलों की ऊंचाइयों को फाइनली हमने छू दिया है। ये लो छू लिए। थोड़ा बादल खा लेते हैं। काफी डाइट फूड है, अच्छा लगा मुझे। गाइस ये है वाटरफॉल व्यू रूम, जहाँ से अभी कुछ वाटरफॉल नहीं दिख रहा है। दो वॉश बेसिन है फॉर कपल्स, दोनों आंखों के आंसू धोने के लिए दो बेसिन। इन केस यहाँ पानी बरसात की कमी थी तो यहाँ एक स्विमिंग पूल भी है। ये नहीं लगा कि गलती से रेनकोट रख ले, भुजिया याद रहता है भाई। लीसाडोंग वाटरफॉल, किधर है वाटरफॉल? उसे नीचे जाते जाना है कभी ना कभी मिल जाएगा। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। मैं गाइड अंकल से बहुत आगे पहुंच गए जल्दी। उनको जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस है हमारे ट्रैकिंग स्किल्स पे, उनको पता नहीं हम कतई नूब आ रखे हैं यार। रास्ते की बाधाओं को पार करते हुए गौतमी जी मोटिवेशनल वीडियो बनाते हुए। मोटिवेशनल के बीच में गैप क्यों दिया? मैन वर्सेस वाइल्ड सीजन फिनाले। मम्मी
ये सब का मतलब है 10-15 बार फॉल करो, तब जाके आप वाटरफॉल देखने के लायक बनोगे। करो करो अभी बेयर ग्रिल्स वाला नाटक करो, मनाली में बहुत कर रहे थे ना। बस बस ये क्या तरीका होता है, ये क्या तरीका होता है। चल चल। अरे सर क्या हो रहा है, अरे स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन। अरे ये बेस्ट तरीका, इसे कहते हैं डर। तूने नोटिस किया कैमोफ्लेज हो रहा हूँ भाई, क्या मैं दिख रहा हूँ जंगल में? बहुत अच्छे से दिख रहा है, आउट ऑफ प्लेस लग रहा है। मम्मी ने सारे भजन इसी मोमेंट के लिए सिखाए थे। पहुँच गई मैं, पहुँच गई, जिंदा पहुँच गई। यहाँ नेचर की ब्यूटी देखने आई थी, तब से अभ्युदय की ब्यूटी दिख रही है मुझे भाई। इससे इजी ट्रैक, टू इजी मैन। आगे के लिए बताइए। बंद करना एक बार, जल्दी उतर, दो सांडों के लिए नहीं बनी ये सीढ़ी। अब ये जगह दिखनी तो ऐसी चाहिए थी, बट अब ऐसे दिख रही है। हमने सोचा तो ऑरेंज ब्लू देखेंगे, पर ब्राउन भी अच्छा ही है भाई। वर्थ इट तो था इतना नीचे आना। इतना स्ट्रॉन्ग फॉल है, इतना पीसफुल आवाज है कि थोड़ी देर के लिए बस यहाँ बैठो, इसकी आवाज सुनो और सारे अपने स्ट्रेस वगैरह के थॉट्स ना बंद हो जाएंगे। फाइनली तो चुप हुई, तो मुझे सुनाई दिया कि इसकी आवाज कैसी है। हद है यार, मैं सिर्फ रोस्ट होने आती। अरे अबू धाबी वाले अबला नारी कमेंट्स मैं भूल गया, सारी नेगेटिविटी हट गई यार लाइफ से। मुंबई में इतना पानी कहीं दिख जाए भाई, साइड में कोई ऑटो वाला ऑटो धोते हुए दिख जाता है। ये देखो गाइस, यहाँ भी फुल इंस्टाग्राम बाजी चल रही है। यहाँ पोर्ट्रेट मोड में फोटोज लेके कोई फायदा नहीं है क्योंकि बैकग्राउंड पहले से ही ब्लर है। नेचुरल धुआं भाई, ये होता है धुआं। इसे धुआं नहीं मिस्ट कहते हैं, बट अब इसको नहीं पता इसलिए हम। तू गाइड नहीं है, वो गाइड है, ठीक है? तू नॉलेज मत बांट। लाइफ में इतना पास से वाटरफॉल तो कभी नहीं देखा है। थोड़ी सुंदरता अपने मुंह पे भी लगा लूं भाई। अब ये भी सुंदर हो जाएगा। वुमन वर्सेस वाइल्ड की विजेता सुंदरता से अब मनुष्यत के साथ रहना पड़ेगा। एस्केलेटर लिफ्ट मैं आज से कभी आपको हल्के में नहीं लूंगा। ऐसे ट्रैक पे ऐसी बेइज्जती होती है जब कोई बुड्ढे से अंकल आपके साइड से भाग के चले जाए और आप यहाँ रुके हुए हाफते हुए। भाई इतनी मस्त जगह एकदम हिडन है। अच्छा ये छुपा के रखो, वरना इतने अच्छे पानी में गुटखा चिप्स के पैकेट तैर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे रास्ते बनाए कि बेकार लोग तो जा ही ना पाए। उड़ के कहाँ चले जाएगी, दिखेगा भी नहीं भाई। जाना कहाँ है, यहाँ होटल ही नहीं दिख रहा। रास्ते में कुछ हो तो नहीं कि हमारे साथ और अब सीधा स्वर्ग आ गए और हमें रियलाइज नहीं हो रहा है? सच्ची में ऐसा लग रहा है हम स्वर्ग में है। कर्म तो मैंने स्वर्ग वाले किए हैं, सो इट्स क्वाइट बिलीवेबल। फिर तो नहीं होंगे, फिर हम मेघालय में ही। ये है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, जिसने लॉकडाउन के बाद इंसानों की तरह दो चार और सिस्टर पैदा कर दिए। गाइस यहाँ किसी का भी नेटवर्क नहीं आता सिवाय एक स्पॉट के, यहाँ। पहले आधा घंटा यहाँ बीतता था, अब आधा दिन बीतेगा। जबरदस्ती मोमो की लाल चटनी खाऊंगा और फिर निकालते बैठूंगा यहाँ। दिन की इतनी बारिश देख के हमने खुद के छाते खरीदे मस्त नेचर थीम वाले, और अगले दिन कड़कती धूप। सब कुछ दिखाई दे रहा है गाइस, चीजें दिख रही है। प्लीज उल्टी ना हो, प्लीज उल्टी ना हो, प्लीज उल्टी ना हो, प्लीज प्लीज उल्टी ना हो। गाइस गाइस हम एक ऐसी जगह आ चुके हैं जहाँ पहुँचने के लिए हमें लेने हैं 3500 स्टेप्स वन वे, वापस आने के लिए सेम 3500 स्टेप्स। स्टेप्स मतलब ऐसे स्टेयर्स है, स्टेयर्स। 3500 भाई, इतने पैसे जेब में नहीं है अभी। 1, 2, 3, 4, 5, 120 भाई 350 भी नहीं है। जाने के लिए तो अच्छा है, लेकिन आने के लिए तो बहुत खराब। जब मैं सुना कि आप लोग फ्रूट बीज कर रहे हैं तो मैं भी सोचा जाऊं कि ना जाऊं। गाइड ऐसा बोल रहे तो हमसे कैसे होगा, कॉन्फिडेंस गिर गया मेरा। वहां जाना है, वो विलेज है। पक्का कोई हेलीकॉप्टर नहीं जाती? और ये रास्ता वहाँ कैसे जाता है? अभी नीचे जाएंगे हम, फिर रिवर क्रॉसिंग है, दो ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, फिर आने वाले लोग दो लाशें भी क्रॉस करेंगे। कभी लगा नहीं था ना नीचे उतरना भी थका सकता है। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो। पहुंचे क्या? नहीं भाई आधा भी नहीं हुआ है।
किसके घर के सामने लेट गए? यहाँ कोई भी सुंदरता फ्री में नहीं मिलती, कमानी पड़ती है, हर एक व्यू कमाना पड़ता है। हमारी वीडियोस में टोन देख देख के उन्होंने हमें यहाँ भेजा है। थैंक्स गाइस फॉर टेकिंग केयर ऑफ अस बाय फैट शेमिंग। इतना तेरे जैकेट से निकला है पसीना। हाँ, लाइफ में इतनी मेहनत किसी वीडियो के लिए नहीं की, तो थोड़ा सा व्यूज। ओह शिट, अरे मत कर, डरा मत यार। भगवान प्लीज, अब से इनकॉग्निटो मोड में सिर्फ प्रवचन देखूंगा। ये कितना हिल रहा है ब्रिज यार। क्या स्टेबल है ये? स्टेबल है। अबे चल 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 यार, जितना भी डर लगे लेकिन बहुत सुंदर है। पानी प्योर ब्लू कलर का, इतना साफ। हाँ बहुत बहुत सुंदर है गाइस। बेस्ट व्लॉग गाइस। पीड़ा था गाइस। क्या व्यू, क्या वाटर, वाह। तो फाइनली 3 घंटे के ट्रैक को भाई 2 घंटे में खत्म करके हम पहुंच चुके हैं 3,000 स्टेप्स के बाद। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, लिविंग, ये जिंदा है लिटरली। यहाँ सुंदर वाटरफॉल और यहाँ ब्रिज। अगर जानना है ना यहाँ कितना सुकून है, ये देखो भाई कितना सुकून। एक रूट ब्रिज आपको बहुत जगह मिल जाएगा, बट 2 रूट ब्रिज ये है यहाँ की स्पेशलिटी। पेड़ की जड़ों से बना है, बहुत बड़ा सा रबर ट्री है। और ये जो रूट ब्रिजेस है उसके सेकेंडरी रूट से बनते हैं, मतलब अबव द ग्राउंड इसके और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रूट निकलते हैं। जो रूट बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उसको वो लोग एक दूसरे में ऐसे पूरा इंटरट्वाइन करके एक रूट ब्रिज बनाते हैं, जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई। वहाँ सारे ब्रिज ऐसे हिलते हैं। अब इसको हिला के दिखाना। थक दिया। शैम्पू एड में बोलते रहते जड़ से मजबूत, भाई ये होता है असली जड़ से मजबूत। ये ब्रिज समय के साथ और बेटर होता है, अनलाइक आरसीबी परफॉर्मेंस। आरसीबी को क्यों तोड़ा? लिविंग रूट ब्रिज है ना, लिविंग है ना ये, तो उसपे पैर कैसे रख सकती है तू, चल कैसे सकती है? बेचारे को हर्ट हुआ होगा ना। सॉरी बोल, सॉरी बोल, अरे भाई सॉरी सॉरी। नन्हे आशिक यहाँ पहुँच ही नहीं पाए, कहीं भी दिनेश लव सुप्रिया राजू लव पिंकी ये सब लिखा ही नहीं है, एक जगह पे भी नहीं। इतना मुश्किल ट्रैक बनाओ कोई आशिक नहीं आएंगे। इतना देर नीचे आते आते ही बीच में उनका ब्रेकअप हो जाएगा। आंखों ने इतनी सुंदरता कभी देखी नहीं, जबकि मिरर में मैं खुद को रोज देखता हूँ। चेरापूंजी की सब बारिश की बातें करते हैं, इन यूनिक सुंदर जगहों के बारे में कौन बताएगा? यहाँ लोग हर जगह नंगे लोग, भाई व्लॉग किधर करें? बट अब 3,500 स्टेप्स हमें ऊपर चढ़ के जाना है, जिसके लिए गौतमी को अपने बाल खा के आएगी एनर्जी। यस, ये बुढ़िया की लाठी भी आ चुकी है गाइस। नेक्स्ट इसके दांत वांत भी गिरने वाले हैं। बड़ी उम्र में महिलाओं को होती है ये समस्याएं। ये वापस ऊपर चढ़ना है। कितना कितना, अरे इतना ऊपर तो देखा भी नहीं जा रहा, मैं देख के फट रही यार। उस ग्रीन घर से हम यहाँ तक पहुँच गए। 70 मिनट से ऊपर चढ़ रहे, कैन यू इमेजिन 70 मिनट स्टेयर्स चढ़ना, और अभी बस आधा हुआ है। जान नहीं है क्या, मर गया है, अरे एक जिंदा लाश है क्या? ये भी काम नहीं कर रहा अब। बड़ी उम्र में मर्दों को होती है ये समस्या। हैरी पॉटर मैजिक ब्रूम, गलत जगह लग जाएगी कुछ और उड़ जाएगा। चलो आ गए तो डर गए। अरे अब तो सर पे ही बैठ रहे भाई, पे मेरे भी पैर कांप रहे, सच्ची बोल रही हूँ। 2.5 आवर्स के बाद फाइनली पहुंच गए, पता नहीं कहाँ पहुंचे, स्वर्ग पहुंच गए। कभी अपने बिल्डिंग में सीढ़ी ली है? फर्स्ट सेकंड फ्लोर तक मैक्स। ये तो हमने बुर्ज खलीफा क्लाइम कर लिया होगा ना इतनी देर में। पक्का पक्का फाइनली। मेरा शर्ट निकाल के निचोड़ोगे ना, यहाँ एक नया वाटरफॉल बन जाएगा और मैं चक्कर आके फॉल होने वाली हूँ। अभी पैरों को ऐसे ऐसे चलने की आदत हो गई है, वो नींद में भी ऐसे ऐसे ही चलते रहेंगे। आज ब्रेकफास्ट बफे में क्या लेंगे सर? भगवान, मैंने इतना बड़ा मकड़ा लाइफ में नहीं देखा, ये क्या कर रहा है मेरे कमरे में? कोई बचाओ, हेल्प हेल्प, मैं लिटरली रूम बदल रहा हूँ भाई, मुझे किसी के साथ नहीं रहना। यहाँ पूरा दिन ऐसा मौसम रहता है कि हम ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे? चाय पकोड़े। लंच में क्या खाएंगे? चाय पकोड़े। डिनर में क्या खाएंगे? चाय और पकोड़े। द आर्ट, द आर्टिस्ट,
रोज 6-6 बजे उठने से यही होता है। कल के बाद आज उतरा ही नहीं जा रहा है, सीढ़ियों का फोबिया हो गया गाइस। तो गाइस अभी हमें उंगोट रिवर में, जो दिखनी तो ऐसे चाहिए थी, वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर्स इन इंडिया, जो ट्रांसपेरेंट वाटर के लिए फेमस है, बट अभी दिख ऐसे रही है। बेसिकली दिख नहीं रही है, वो दो दिन पहले की बारिश ने पूरा ही काट दिया, और अब हमें आदत सी हो गई है, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे साथ यही सब होता रहता है। वही तो नेचर की ब्यूटी है, इट्स अनप्रेडिक्टेबल। वाओ, क्लियर वाटर, पत्थर दिखा गाइस, पत्थर, अंदर के पत्थर दिख गए, क्लियर वाटर। अभी ज्यादा क्लियर नहीं है भैया, क्लियर हो जा, क्लियर हो जा। नहीं हो रही है, बस यही है किस्मत। हम बिना लाइफ जैकेट के बोट पे बैठे हैं और वहाँ कोई डूबे डूबे बजा रहा है। अरे यार, डूबे हो गया, वो दूसरा वाला बचेगा। कौन सा? डूबा डूबा रहता हूँ यादों में। अरे यार ये बहुत, वाओ गाइस कितना सुंदर, दोनों साइड पहाड़ और बीच में रिवर, तो ऑलमोस्ट वैसा ही हो गया जैसे हम ड्रॉ करते थे। पनौती हम हैं, तो बेचारे जो भी हमारे डे पे ट्रैवल कर रहे हैं उन सब का कट गया, 100-200 लोगों का तो कर दिया कम से कम नुकसान। नेक्स्ट टाइम ऐसे ही होने लगेगा, अरे यार स्ले पॉइंट वाले आए, शिट आज तो बेकार जाएगा ट्रिप। अरे वाह वाह वाह, ऐसा पानी मिल जाए तो मैं रोज नहाऊं। रोज नहीं नहाता, अरे नहाता हूँ, ये 1-2 घंटे में क्लियर हो जाएगा क्या पानी? तो कब होगा? दिसंबर हो गया, आ गया मजा, अब यही रुको दिसंबर तक। चारों तरफ वाटरफॉल्स, बोट राइड और ये रिवर, सब एक साथ एक्सपीरियंस कर लिया। न्यू बोट ड्राइवर गाइस, चला के तो दिखा, थोड़ा तो आगे हिलनी चाहिए। ए मेरे पे पानी क्यों उड़ा है, ऐसे थोड़ी बोट चलाते हैं। अरे तू गलत डायरेक्शन में डाल, अरे गाइस अभी हम इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे हैं। ये है इंडिया का लास्ट पॉइंट, यहाँ लिखा है वेलकम टू इंडिया और यहाँ लिखा है वेलकम टू बांग्लादेश। तो हम अभी कहाँ खड़े हैं? बीचों बीच भाई, कहीं के नहीं है। अब मेरा फेवरेट प्लेयर विराट कोहली, अब मेरा फेवरेट प्लेयर शकीब अल हसन। एक और कंट्री कवर गाइस, मल्टी नेशनल इंटरनेशनल ब्लॉग। देखो मेरी उंगली बांग्लादेश में है गाइस। वाओ, देखना अलग फीलिंग आ रही है बांग्लादेश में। ओरियो फ्राइड पीस, ORIO, ओरियो के साथ मजाक होना अभी तक बंद नहीं हुआ। जगह जगह इतने सुंदर वाटरफॉल, बार बार रुकने का मन करता है, ऐसा लग रहा है तू नहा रही है। शावर आ रहा है मेरे पे। इस बार RCB जीत रही है तो चिल्ला। यस, मैच देखने के लिए नेटवर्क की तलाश में, क्योंकि टॉयलेट वाला भी नो सर्विस हो गया। देना थोड़ा, भूख लग रही है यार। बगैर से पहले हंस रहा था ना, नो भुजिया पूरी। तो मैं क्या खाऊं यार? मेरी किस्मत भी नहीं चाहती कि मैं ये खाऊं। मिशन इम्पॉसिबल। इतनी मेहनत करने लायक तो नहीं था ये। झूला है यहाँ पे और सामने खाई। भाई यहाँ से झूलते झूलते उड़े ना सीधा बांग्लादेश में गिरोगे। धीरे कर, धीरे कर। हमारे पिछवाड़ों के लिए बहुत छोटा है गाइस। ऑल्सो गाइस, यही मेघालय में पड़ोस के गांव में थोड़ी ज्यादा बारिश गिर गई थी, तो वो अब वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ बन चुका है। चेरापुंजी अब नहीं है। चेरापुंजी में जो वेटेस्ट प्लेस का बोर्ड लगा था वही उखाड़ के उधर डाल दिया। हमें फोटो खिंचानी थी भाई उस बोर्ड से, हम बोर्ड ढूंढ रहे, बोलते नहीं अब तो नहीं है वेटेस्ट प्लेस, मोहसिन राम हो गया है मेघालय में ही। यहाँ ना नेटवर्क मिलेगा ना वाईफाई, तो यहाँ आओ और बस नेचर और मेघ में खो जाओ। ओह क्या कर रहा है, पूल वाली बॉडी होती तो यहाँ नंगा लेटा होता। सो ये था चेरापुंजी गाइस, थैंक्स टू YouTube ये सब अरेंज करने के लिए, और ताकि हम अपने प्लेनेट को बेटर मेंटेन कर सके, YouTube सपोर्ट कर रहा है बालीपाड़ा फाउंडेशन, जो लिविंग रूट ब्रिजेस जैसे इकोसिस्टम्स को बेटर सस्टेन करने में हेल्प करता है। और आप भी इस इनिशिएटिव में जुड़ सकते हो बाय डोनेटिंग एज लिटिल एज $5, विच इज अराउंड 300-400 रुपए, और इससे आप मदद कर सकते हो एक ट्री प्लांट करने में। ड्यू टू लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बहुत कटिंग हो रहा है यहाँ पे, फैक्ट्रीज आ रहा है धीरे धीरे, सीमेंट फैक्ट्री या कोल, बहुत सारे ट्रीज को कटने भी पड़ रहा है। तो अब आपके ऊपर है कि आप कितने ट्रीज प्लांट करने में हेल्प करोगे। एंड फ्रॉम मेघालय, लिटरली मेघों के बीच में, वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। लाइक शेयर सब्सक्राइब,
बाय। नींद भरी आंखें छुपा ली सनग्लास। 6-6 बजे रोज उठना नहीं हो पा रहा ना। मम्मी पापा इतने खुश है ना, उनसे पहले हमारा गुड मॉर्निंग मैसेज जा रहा है होम ग्रुप पे भाई। वो तो कह रहे हैं कि वही रह जाओ, एटलीस्ट तुम लोग डिसिप्लिन्ड हो। मैंने नाश्ते का वीडियो भेजा, मम्मी ये कह रही है। इतना सच भी नहीं बोलना था। जाते जाते सोचा लास्ट टाइम नेचर देख लूं, पर कुछ लोगों के अलग ही प्रायोरिटीज हैं। बाय बाय बाय। वापस जाते हुए गुवाहाटी तक गाड़ी से नहीं जाना, हम शिलोंग से ही फ्लाइट ले रहे हैं। अभी जल्दी स्कोर बता, फ्री में मैच देखने मिल रहा है। बैक टू नॉर्मल। कीड़े को मार रहा था, खुद को नोच दिया। कीड़ा आ रहा था।